दोस्तों नमस्कार। अब सुबह सुबह दोस्तों खेत में चल रहे हैं जी फटाफट। मम्मी जी ने अपनी छोटी चाकी चला रखी है, पापा जी कुछ लिखत पढ़त कर रहे हैं जी। तो दोस्तों चलते हैं जी यहाँ से। कालू माँ सब फिट हैं जी, आराम कर रहे हैं दोस्तों। अब जो है ट्रैक्टर लिए चलते हैं जी, चारा ले कर आते हैं। बाकी दोस्तों पशु नहा लिए थे, फिट हैं जी। चलते हैं फटाफट, स्टार्ट कर लेते हैं। मीसी को इसे नहीं ले चल रही हैं, इसे ले के चल रहे हैं। हौसला काट हो गया ने। चलो जी मेशी महाराज, दोस्तों अगर ये एयर यहाँ से हट जाए तो मेसी को जो देखते हैं सब वो चीज़ बदल जाएगी। तो इसका जो सिस्टम है, देखो कहाँ से कहाँ आ रहा, आपको दिखाऊँ। ज़्यादातर आपको पंजाब साइड में जो है ये यहाँ नहीं मिलने का, हटा हुआ मिलेगा, यहाँ लगा हुआ मिलेगा डायर। देखो ये यहाँ से जा रहा, ये यहाँ है, तो ये सिस्टम यहाँ लग जाता है इसका। तो अब आगे चल के इसका यहाँ करेंगे ड्राई एयर वाला सिस्टम, यहाँ से हटवा देंगे। क्योंकि ये जो है फिर ये बोनट इसका छोटा लगता है बहुत ज़्यादा, कुछ तो छोटा है भी। तो बैक गियर में लगा लेते हैं, बहुत दिक्कत में कर रहा है। पापा जी गेट खोल रहे हैं, घूम गए हैं जी चार रुपये। दोस्तों आप पहुंचे हैं जी, और ये देखते हैं 13235 में मट्टी चढ़ती ही कितना, मतलब एकदम से डबल हो गया जी, बहुत बढ़िया। और ये देखो जी कमाल, तो थारा इसमें हो ट्रेंच विधि प्लस रिंग पिट एंड प्लस जेड पट्टी टिंग टोंग, मेरी जान कितना भी हाथ कर दिया, कमाल हो गया भाई। अब ना दोस्तों दिक्कत रहने की, गेहूँ खूब बो गए और अपना यो वाली विधि बो दो। और दोस्तों ये नो कूड है, देखो वेज वेज 4 दिन बाद पानी आया इसे 0118 को। तो ये देखें जी उग गया, ये भी मतलब पूर्ति हो जाएगी, पेंडे नहीं दबाने पड़ने के बाद में। ये दोहरे पे यहाँ से इधर से इधर तक ये 14201 वैरायटी है, 14201 और 16201। क्योंकि दोस्तों इस बीज को भी हम खो नहीं सकते, अपने आप में बहुत अच्छा बीज है ये भी। और ये इधर अंकित भाई का देखो जी, सारा पानी वाणी बढ़िया चल रहा है भाई, सुबह ही आ गया होगा जी, गन्ने की खुदाई कर रहा है फागण वाले पे, इनके पे मिट्टी चढ़ गई है। ये देखो जी बढ़िया, एक में इन्होंने पानी कर दिया, एक गेहूं के गन्ने में पानी कर दिया और एक भाई ने खोद दिया जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह का अलग ही काम होता है। तो दोस्तों अब जो है गोबर उतार लेते हैं। ओहो हो बंद हो जा सिम मैं सिम। ओहो बुग्गी साफ हो गया जी, बस चल के एक बार पल्ली धो के सुखाते हैं। चल भाई मेसी हो जाए स्टार्ट। दोस्तों अपने खेतों में भी घूमते रही हो, इतने ज़्यादा मतलब इतने लेबर केयर इनके ठेकेदारों के भरोसे ना रही हो। एक भाई का फोन आ रहा था, बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा था उसका, और भीतर नील गायों ने और जंगली सूरों ने पूरा 8 बीघा खेत दोहरे पे रह गया, भीतर से सारा ख़त्म कर दिया। फिर कल उसे तरकीब बताई, झटका मशीन बताई लगाने को, सिंगल तार वाली और 4-8 और वो बताई सूराडोन पैकेट से पाड़ के, सीधा पैकेट हाथ में लो, कूड़ा काटो और फटाफट जो है हथेली पे ले लेके फेंक दो। वो तरकीब अगर खात में घोल के फेंकोगे तो मारे जाओगे। तो ये हैं दोस्तों, तो इधर तो पानी दे दिया था, ये तो कटे नहीं, उधर कटेगा वहाँ। देखें बबलू भाई वीडियो बना रहे हैं सिंग सॉन्ग। बंद हो जा भाई, चलता ही बंद हो जाए, इतनी जो है दिक्कत महसूस। दोस्तों पानी चल रहा है, पीते हैं जी ताज़ा पानी, अब आ जाओ ताज़ा पानी पी लो। वहाँ से यहाँ आ गया हूँ जी मैं, बस ये जरा सी ये रह गया है जी, ये जो था रात भी छूटा हुआ था, बस ये जगह रह जाती है। तो इसमें जो है दोस्तों, अब तो मैं आधी बाजू फेर रहा हूँ, इसमें अंदर घुस के जो है कट लगाना पड़ेगा कोई से खूड में, तो उससे जो है बेनिफिट रहेगा। और ये दिखाता हूँ दोस्तों, सामने जो है टैंकर से स्प्रे हो रही है, ये देखें जी। और ये देखें हाँ, ये देखें वो वहाँ कर रहे हैं यार दोस्तों, ट्रैक्टर के पीछे टैंकर है, खेतों में घुसा रखा जी। तो ये बड़े किसानों के काम है जी, छोटे मोटे किसान तो जी अपने कंधे से कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे गन्ने के आसपास में अगर इतने पाइप लेकर इतने बंदे घुसेंगे, 8 से 10 बंदे हैं जी टैंकर के साथ में, और भयानक गर्मी हो रही है।
तो दोस्तों इन टैंकरों वैंकरों से तो जी हम ही अच्छे, कम से कम हम जो है अपनी, हमने अपने कंधे पे ही मशीन टांग टांग के जी और नवीन भाई से करवा के किराए पे 40-50 रुपये टंकी अपना गन्ना जी अपना ठीक कर लिया। तो ये है जी, समय पर पानी देते रहो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समय की है आवश्यकता। ये देखो जी पानी आ गया है दोरे पे, देखो ये आ गया, तो इसे जो है जी अब यहाँ से कर देते हैं अपना, चले चलते हैं जी दूसरे खेत में पानी बदल देते हैं। यहाँ देखते हैं जी कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी इसलिए लग रही है क्योंकि बाहर तो गर्मी है और पेड़ के नीचे बैठते हैं, बहुत ही शीतल छाया है जी, और नेपियर के बीच से भी यहाँ से और यहाँ से और इस तरफ से भी ठंडी हवा आती है। नेपियर जो है अपने आप में इसका तासीर बहुत ठंडा है जी, बहुत अच्छा, इसीलिए ये सर्दियों में नहीं आता बिल्कुल भी। ये जैसे ही फरवरी में तेज़ धूप पानी शुरू होती है और हल्की सर्दी कम हो जाती है तो फिर ये चलता है जी, पूरी गर्मी में चलता है ये, अक्टूबर नवंबर तक चल जाता है, उसके बाद में सर्दियों में नहीं आ पाता ये, सर्दियों में तो ग्रोथ इसकी रुकी रहती है। तो ये शीतल है जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी जो तासीर है वो ठंडी है, इसीलिए पशु इसे खा कर बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास में 20-25 पशु हैं तो आप इसे 4-5 बीघे का खेत लगा लो, इसका लाइन से लाइन की दूरी आप इसमें जो है कर लो कि 35-36 इंच कर लो, और जो है 1 मीटर पे एक आँख इधर से इधर हो गया और इधर से इधर भी 1 मीटर, 1 मीटर का ही गैप कर लो और एक का आँख इसकी लगा दो। मेहनत है खेत की बुआई में, बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गूल निकाल कर लगाना चाहो गूल पर लगा दो, वो और बढ़िया रहेगा, नीचे पानी आएगा, नहीं तो निशान लगा के फ्लैट ज़मीन पे लगा दो आप इसे, और बस आप फिर देखो कमाल। गूल पे लगाओगे तो ये रहेगा कि पानी नीचे नीचे आएगा, और गूल पे जो है 1-1 मीटर पे लगाते चले जाओ दोस्तों, सुपर प्रोडक्शन है, जहर मुक्त खेती हो जाएगी बिल्कुल, चारा पशुओं को बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन ऐसा हो जाएगा आपको कि आपको कभी भी यही टेंशन नहीं रहने की। आप थोड़े से चावल के जो बचे रहते हैं पूले वो ले लो पुराल, थोड़ा सा आपके पास में भूसा हो जाए और इसकी जो है 5 से 6 कटिंग आती हैं जी, आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा यार। ये देखें जी आराम से मैं ऐसे खड़ा है यहाँ, चिड़ियों का म्यूज़िक सुनो जी आप, तो यहाँ भी दोस्तों एक बहुत ही कुदरती जो एक मतलब एक बहुत ही अद्भुत चीज़ जो है हमें संकेत दे रही है कि ये जो चिड़िया जो इतनी खुशी से चहचहा रही हैं, करीब 20 तरह की चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, और ये बिल्कुल ना इनके लिए कोई यहाँ खाने की व्यवस्था करते हैं इंसान, इंसान तो इन्हें जो है नुकसान ही पहुँचाते हैं क्योंकि पेड़ पौधे काट देते हैं ये बेचारे, फिर कहाँ जाएँ। तो यही चीज़ है जी, आप ये देखो कि ये कितनी दुआ, मतलब कितने खुश हैं, कितनी दुआ देते होंगे ऊपर वाले से, डायरेक्ट बात है, पेड़ पौधे जो ज़मीन से सीधे ऊपर वाले से बात है, अपने स्वतः ही उग रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सागौन है हमारी लगाई हुई पौध की, बाकी इधर उधर कोई भी पौधा, ये यहाँ हमारे ढंगों में स्वतः ही उगते हैं क्योंकि खेत का तो कट जाएगा, अंदर जो पैदा होगा वो तो फसल के साथ में कटता रहेगा। बाकी जैसे यहाँ पुराने पेड़ थे, अब देखो इनमें से झुंड में से 2 पौधे शीशम के निकल के चल रहे हैं, तो इनमें से जो है हम वही कोशिश करेंगे जैसे हमेशा करते हैं कि अपना एक आध पौधा इनमें से बढ़िया वाला निकाल देंगे। फिर उधर देखो जहाँ बबलू भाई आ रहे हैं, वहाँ रास्ते पर शीशम हो गई, उन्हें निकाल देंगे, उन निकाल देंगे से मतलब ये है कि छटनी कर देंगे और बढ़िया पौधा निकल के ऊपर चलेगा। तो ये देखें जी, बस यहाँ थोड़ा सा बरामदा और हॉल जो है सेटअप बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चौंतरा वोतरा बन जाए, बाकी देखें जी यहाँ आराम से बैठे हैं पेड़ के नीचे, अपने सामान खड़े हैं आराम से खाट पर बैठे हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में इतना सुकून आपने महसूस करा तो सोचो जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये जीव जंतु कितना सुकून महसूस करते होंगे, ये कितनी दुआ देखते होंगे, मतलब कि भाई वीडियो साधारण है, कोई इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ना कोई ऊपर से कोई थंबनेल हमने अलग से लगाया हुआ होता, क्योंकि दोस्तों हमें तो अपनी वीडियो से जो भी एक संकेत देना है उसे जो भी समझ लेगा जीवन में, तो ये चीज़ है जी। क्योंकि अभी दोस्तों कल परसों ही बात हो रही थी, एक भाई ने बताया कि भैया मैं बहुत टाइम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और जो है बहुत ही मतलब परिवार भी हमारा, ज़्यादातर हम आपकी वीडियो उस पर चला देते हैं ऊपर, हमारे बच्चे तो लगे रहते हैं, बच्चे तो अपनी मौज मस्ती की स्टंटबाजी की वीडियो देखते हैं, लेकिन जब आपकी ताऊ जी की बबलू भाई की वीडियो चलती है तो उसे जो है पूरा परिवार ही देखता है, उसे होता है, लेकिन आपकी वीडियो से ज़रूर एक छोटा सा हिंट मिलता है
मतलब पूरी दुनिया में कई सारी तो घटना ऐसी हुई कि मतलब उनकी बातों से मुझे इतना मतलब मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि दोस्तों मैंने तो वे सोच के बोल ली नहीं थी, वे तो मैंने तो ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन उन्होंने फिर मुझे वे पूरी डेट वाइज के हिसाब से याद दिलवाई कि जैसे बुजुर्गों की एक कहावत भी है घूमने फिरने के ऊपर जो एक हिंट है बुजुर्गों का कि ठंडी जगह पर तो कभी सर्दी के मौसम में नहीं जाना चाहिए, पहाड़ों पर कभी बरसात में नहीं जाना चाहिए और सूखी जगहों पर कभी गर्मियों में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अब आपको पता लग रहा होगा ये हीट वेव चल रही हैं, ये आप जाके देखो पाकिस्तान के और भारत के बीच में जो जैसलमेर का जो इलाका पड़ता है वहाँ से पूरी लाइनिंग है, वो वहाँ बिल्कुल भट्टी की तरह देख रहा, आपने वीडियो में देखा होगा कि गाड़ी के बोनट पर रोटी सेक रहे हैं, रेत पर जो है ऑमलेट बन रहा है, पापड़ सेक रहे हैं, आप खुद ही देखो कि इतने मोटी मोटी जुराब पर बूट पहन के और मुंह पे गिल्ला कपड़ा लपेट कर बड़ी बड़ी कैप लगा के, फौजियों की हिम्मत देखो जी, इसीलिए तो उनकी कठिन इतनी ट्रेनिंग रहती है जंगलों में रेगिस्तान में पानी के वर्षावनों में, ये मतलब उनके पैर भी मतलब स्किन भी गल सड़ जाती है, क्यों? उनके माइंड को इतना मजबूत बना दिया जाता है, शरीर को इतना मजबूत बना दिया जाता है कि किसान का काम तो एक बहुत एक छोटा सा ट्रेलर है किसान मजदूर का, तो असली जो है अपने जीवन में फौजी झेलते हैं। जी भी तो आपने देखा होगा कोई भी फौजी भाई होगा या फोर्स की जितने भी अपने इंडियन फोर्सेस हैं रिटायर होकर जब वो आते हैं रिटायरमेंट लेके वीआरएस लेकर आ जाते हैं बीच में भी या किसी भी तरह से वो ऑन ड्यूटी भी रहते हुए, आपने उनके घर में कभी भी कोई सामान इधर से उधर नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो इतने अपने जीवन में इतने डिसिप्लिनड हो जाते हैं, तो इतने ही डिसिप्लिन की इतने ही मतलब अनुशासन की जरूरत हमें अपने यहाँ भी है। देखो यहाँ भी अगर हम नहीं रखेंगे इतना, अब देखो बाबा जो है कल दोपहर बाद आए होंगे हमारे आने से पहले, अपना जो था पीना पाना पिया, अपनी पन्नी एक जगह गेर दी, होश रहा नहीं होगा, क्योंकि हमने कह रखा है कि जब तुम पियो तब कहीं भी कोई आग नहीं लगानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो यहाँ कल डेमो हुआ था वो हमने देखो वहाँ धूप में इकट्ठे कर दिए, सूख जाएंगे, फिर जो शाम को जो है उनमें एक तिल्ली लगा देंगे, तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नमस्ते जी, आ गया है चिराग घूमते हुए, बाबा कहाँ हैं? बाबा कहाँ हैं? दोस्तों ये देखें जी, इसमें से जो है थोड़ा सा बीज आज जो है एक भाई को दे दिया है। देखो जी ये जो है सिपाही हैं जी, ये पुलिस के समकक्षी काम करते हैं, होम गार्ड है जी ये, तो ये भी ले गए। देखो जी बेचारे आए, इन्होंने देखो दोस्तों अगर ये चाहते तो ये जो थे आगे पीछे काट के भी ले जा सकते थे, जैसे और भी भाई ले जा रहे हैं, क्योंकि वे जो मांग नहीं सकते वे वैसे ले जाएं, लेकिन फिर भी बबलू भाई का ये कहना है कि चाहे कोई काट के भी ले जा रहा और वो बोरा है या अपने पशु खिला रहा, तो मतलब यो मानो कि जहर से मुक्त खेती कर रहा, सामने से मांग रहा है उसे तो देने का हक भी है। और दोस्तों वही बात है, देखो जी हमने बिल्कुल भी वो नहीं करा, बका भैया पत्ते तो खुआ दियो अपनी जो है गाय बकरी जो भी है और बाकी अपना आप ही ने बुआ लियो। और दोस्तों ये ऐसे करेंगे, इनके घर में कच्चा है काफी, नल का पानी भी भरा रहता है, उसकी ढांग पे लगवा देंगे, घर के पास में जो है गाँव की गंदी नाली निकल रही है, बहुत बड़ी ढांग है उसमें लगवा देंगे, तो इनके घर में घर के आसपास में पशुओं की जहां बंधने की जगह वहीं इनके जो है एक बीघे का चारा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, अपनी तरफ से जो है किसी को भी अच्छी चीज़ दो जो कम से कम उनका परिवार, उनके बच्चे और उनके पशु जहर मुक्त मतलब हो जाएं। ये चीज़ ऐसी है जी, देखो अभी ये बीज बनने लगा है इसमें, ये देखो जी गांठे, और दोस्तों इसमें से भी निकाल लेंगे, घर जाकर थोड़ी बहुत निकाल लेंगे इसमें से, ये देखो ये जो उभर रही हैं, तो ये नीचे की तीन चार इसमें गन्ने में, इसमें ये फ़र्क है कि गन्ने का तो ऊपर का भाग बोया जाता है वो बढ़िया रहता है, इसका नीचे का भाग बढ़िया है बोने में। तो दोस्तों यहाँ से निकल गई हैं देखो, तो यहाँ से जो है हमें थोड़ा अपने गन्ने की कमजोरी का भी पता चल रहा है, क्योंकि ये दोस्तों ताकत खींच लेता है। बाकी ये पौधे छोड़ दिए हैं छोटे छोटे, अब की बार दोस्तों ये दूसरी बार कटाया, आपने देखा होगा पहले मैं फोर्ड में भर के ले गया था शायद एक बुग्गी मतलब इतना ही चारा, अब की बार ज़्यादा हुआ है, अब क्या और ज़्यादा होगा, सर्दियों तक ये प्रोडक्शन बढ़ाता रहता है, लेकिन जो सर्दियों की प्योज छुट्टी हुई होगी वो थी वो फरवरी मार्च में कम देती है प्रोडक्शन, लेकिन दोस्तों है फ्री का। यहाँ देखो पेड़ की छेल में गन्ना नहीं हो रहा था, ये लगा दी थी तो ये भी होगी, तो यही है जी भाई को थोड़ा सा अपनी तरफ से मदद करी है, करते रहें दोस्तों जो भी अपने पास में। और दोस्तों बात यही है, हमें भाई की तरफ से गिफ्ट में मिला था, तो दोस्तों हम भी गिफ्ट में दे रहे हैं जी, अब जो है ये 41वें 42वें ऐसे के शख्स थे जिन्हें ये हमने अपनी तरफ से दे दिया। आगे दोस्तों चलते हैं जी फटाफट, गर्मी दोस्तों पूरी हो गई, देखो सुबह हवा चल रही थी और पूरा वही हो गया है नोपता जो बोलते हैं। दोस्तों बांध लिया है जी यहाँ से और चल रहे हैं जी, और दोस्तों देखो आज वही दोपहर है जिसमें जो है चिड़िया चहचहाती हैं, बिल्कुल शांति है, पत्ता नहीं हल रहा जी, देखो पेड़ों का बिल्कुल जो है धरती पर से भाप से ऊपर की तरफ जा रही है और दूर ही ऐसे ऐसे हिल रहा है मौसम। तो दोस्तों
तितर बोलता है ऐसी दोपहर में गर्मी में तितर बोलता है जी। तो आज वही बात है जी, तितर बोल रहा है चलो जी भैया। तो दोस्तों हिम्मत नहीं पड़ी जी कुछ भी करने की, बस ये जो है हमारे पे ये करामात हुई जी, पानी बदला जा रहा था वाल से, नाली वाला तो सिस्टम रहा नहीं। तो जी बस ये जो है चार बोझ यहाँ से नेपियर के काटे हैं जी, कुछ जो है थोड़ा थोड़ा पौधे छोड़ दिए हैं बीच में। तो दोस्तों चल रहे हैं जी फटाफट, बबलू भाई चले गए हैं दोस्तों, स्टार्ट करके चल रहे हैं। दोस्तों ट्वेल्लों पर नहाने वाली पब्लिक और पीने पाने वाले घूम रहे हैं, बाकी ठीक है। हमने तो खैर यहाँ थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है कि भाई इधर नहीं आना, पिछली तरफ चले जाओ। बाकी दोस्तों होदी में आपको पता ही है हम गोबर उबर की पल्ली धोते रहते हैं, तो उससे इधर कोई ज़्यादा आता नहीं। तो दोस्तों चलते हैं जी फटाफट। चलो भैया हो जाए स्टार्ट। इतनी इतनी आवाज करेगा तो हाँ जी हमारी बात। दोस्तों गर्मी इतनी है कि बिजली भी कट हो गई है जी, इस वाले में ही चल रहा है जी तीसरी बार की पिटी में। ये देखो जी बिजली हो गई है बंद, अब पता नहीं दोपहर में 2 घंटे 3 घंटे कितनी बंद रहेगी। हम तो जी यहाँ पानी वानी डाल के नहीं पौधों पर चल दिए हैं, बाकी पेड़ के नीचे तो थोड़ा सहारा है जी, पानी ये भर रहा है जी यहाँ। तो एक बार करीब 2 से 3 बजे के बीच में राउंड जरूर लगाना पड़ता है जी खेतों में। पहुंच गया जी घर, ओ जगह ना छेड़ दिया जरा मेरा जी भाई। यही बात है सारी जिंदगी समझ में नहीं आई, जाड्डा पड़े बढ़िया करके तो उन्होंने कहा अरे मरिए भगवान तन्ने तो बिल्कुल ही हम मार दिए, ऊपर वाले रहम कर ले इतना जाड्डा क्यों गिर रहा, थोड़ी सी धूप सी काट दे। ये जरा सी गर्मी सी हो गए धूप से निकले तो उन्होंने कहा वो नोपता हो गया, जड़ गया चमड़ी मर गया फूक गया भबका आए हाये, कूलर पंखे एसी भी मारे तो फेल हो गए, टेम्परेचर मारा तो हाई चला गया बिल्कुल लाल पे चला गया, ओए होए होए होए। तो ये हैं जी दोस्तों फटाफट बिजली आ रही होगी भी टाइम है, थोड़ा चारा काट देते हैं जी। तो ये थिएटर है ये देखो जी, हमें तो समझ में बात ही नहीं आ रही कैसे हो, जनता की तो डिमांड बहुत है भगवान, ऊपर वाले को समझ में कैड़ी बात आवे मुश्किल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ने, धन्यवाद। जुड़े रहिए टिंग टोंग चुली बुली।